जोहरा भाई अंबाले वाली। जोहरा भाई का जन्म सन 1922 के आसपास हुआ। उनके जन्म स्थान के बारे में कोई भी प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी वो पिछली सदी के चौथे दशक में अंबाला शहर के हुस्न के बाज़ार की रौनक थी ऐसा माना जाता है। इनका वास्तविक नाम जोहरा जान था और ये सन 1937 से अर्थात मात्र 15 वर्ष की आयु में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली लाहौर पेशावर केंद्रों से अपनी सुरीली और मधुर आवाज़ में जोहरा जान ऑफ अंबाला के नाम से गाया करती थी। इन्हें बम्बई की फिल्मी दुनिया में ले जाने वाले सुप्रसिद्ध और सुविख्यात संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर थे, लेकिन जिस फिल्म से उनकी जादुई आवाज़ की धूम मची वो सन 1944 में आई फिल्म रत्न। रत्न वो फिल्म थी जो नौशाद अली साहब के संगीत से सजी थी। इस फिल्म के सदाबहार गीत आज भी कला पारखियों के कानों में रस घोलते हैं। हालांकि इस फिल्म में उन्होंने 7 गीत गाए थे। अखियां मिला के जिया भरमा के सबसे ज़्यादा मशहूर गाना हुआ था सावन के बादलों, उनसे ये जा कहो, तकदीर में यही था साजन मेरे, ना रो, आई दिवाली दीपक संग नाचे पतंगा, मैं किसके संग नाचूं बता जा, आदि आदि। उनके बाद उन्होंने सन 1953 तक फिल्मों में लगभग 1500 गीत गाए, जिनमें अधिकतर गज़लें थीं। इनमें से कई बहुत अधिक लोकप्रिय हुई, जैसे एक बहुत ही पुरानी फिल्म थी नागिन। इसमें शकील बदायूनी की यह गज़ल, क्या बताएं कितनी हसरत दिल के अफसाने में है, सुबह गुलशन में हुई और शाम वीराने में है। इसी तरह फिल्म मेला सन 1948 में शकील साहब की और एक और गज़ल, शायद वो जा रहे हैं छुप कर मेरी नज़र से। फिल्म कारवां में आँखों में इंतज़ार की दुनिया लिए हुए। फिल्म दूसरी शादी में टूटा हुआ दिल गाएगा क्या गीत सुहाना, हर बात में ढूंढेगा वो रोने का बहाना। सन 1945 में बनी फिल्म जीनत में नक्शब साहब की लिखी हुई मशहूर कवाली, ये तो सबको मालूम होगा और अभी भी याद होगा, आहे ना भरी शिकवे ना किए कुछ भी ना जबां से काम लिया, नूरजहां और दूसरी गायिकाओं के साथ जोहरा भाई की सुरीली आवाज़ भी इस पे शामिल थी। जोहरा भाई बहुत ही सुशील शिष्ट और स्वाभिमानी महिला थी। फिल्मी दुनिया में वे अपने हर गीत के लिए 2000 रुपये मेहनताना लिया करती थी, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि थी। बसंत देसाई के संगीत में बनी एक फिल्म मतवाला शायर राम जोशी में उन्होंने 20 गाने गाए थे और 40,000 रुपये मेहनताना भी लिया था। सन 50 के बाद कई नई गायिकाएं आ गई तो इन्हें कम राशि दिए जाने की बात होने लगी, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। जबकि अधिकतर कलाकार प्राय दौलत और शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन जोहरा बाई पब्लिसिटी से दूर रहती थी और प्रेस वालों से भी बहुत बिदकती थी। जोहरा बाई ने अपनी मधुर आवाज़ से हम सबके दिलों पर राज किया, हमारे दिल में एक जगह बनाई और अपनी कुछ कलात्मक विशेषताओं की धाक जमाई। वहीं अपने नाम के साथ अंबाला वाली जोड़कर अंबाला के नाम को भी रोशन किया। उन्होंने पंजाब के प्रसिद्ध और विख्यात तबला और पखावज वादक उस्ताद फकीर मोहम्मद से विवाह कर लिया, जिनसे उनकी एक बेटी भी है रोशन कुमारी, जो फिल्म अभिनेत्री होने के साथ साथ एक उच्च कोटि की नृत्यकी भी है और बांद्रा मुंबई में कला केंद्र के नाम से एक डांस स्कूल भी चला रही है। रोशन कुमारी साहिबा को उनकी कलात्मक विशिष्टताओं और उपलब्धियों के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जोहराबाई साहिबा 21 फरवरी 1990 को इस नश्वर दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन उनके हृदयस्पर्शी गीतों की छाप हमारे दिलों पर आज भी जिंदा है और ताउम्र जिंदा रहेगी। और मैं इस आर्टिकल को जो पढ़ रहा था वो मुझे किसी मैगजीन या किसी न्यूज़पेपर से नहीं मिला था, ये लिखा था हमारे आदरणीय श्री महेंद्र प्रताप चांद जी ने। उनकी किताब है अनुभूतियों के इंद्रधनुष, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अंबाला के वो कौन ख़ास लोग हैं जिन लोगों ने कला की दुनिया में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इस किताब के कुछ और पहलू भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज इतना ही।
शुक्रिया।